40 days to grant credit of 30 days. तो ये पहला स्टेप है जी, ये पहला स्टेप है जो हमने फॉलो किया। चांस की बात है कि यहां पर अब हम क्रेडिट पीरियड को कम करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर टू करना वैसे ही है दोस्तों, चाहे हमें क्रेडिट पीरियड को कम करना हो या ज्यादा करना हो, करना वैसे ही है। स्टेप नंबर टू, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। हम तीनों प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, हम तीनों प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। आइए जी, आइए आइए, मेहरबान कदरदान, जो लगाएगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा उसे ही सब कुछ मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोत है सो खोवत है। सेल्स, मैंने लिख दिया जी सेल्स, बहुत बढ़िया, सेल्स लिख दिया 10 लाख। अब देखिए जी, सेल्स यहां पर ना तो वो कह रहा बढ़ेगी ना कम होगी, तो हम सब जगह सेल्स को तो 10 लाख ही मानेंगे। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो मैं तो मानूंगा उतनी सेल्स तो है ही जितनी है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, बैड डेट्स वगैरह वगैरह, कलेक्शन एक्सपेंसेस। लो जी लो, लो जी लो, ये आ गया मेरे बेटे प्रॉफिट, और ये आ गया मेरे बेटे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ठीक है जी, आइए अब देखिए, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दी हुई, फिक्स कॉस्ट भी नहीं दी हुई, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां पर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट आप कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट पे निकाल ही नहीं सकते, इसलिए आपको इसी पे निकालनी होगी, सेल्स पे ही निकालनी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आइए पहले मैं बैड डेट्स लिख लूं, 6% है, तो 10 लाख का 6% मैंने लिखा 60,000 रुपीज। फिर मैंने 10 लाख का 4% किया 40,000 रुपए। फिर मैंने 10 लाख का 3% किया तो 30,000 रुपए। ये मेरे पास बैड डेट्स आ गए जी, स्टेटस को प्रपोजल वन प्रपोजल टू। फिर मैंने कलेक्शन एक्सपेंसेस लिखे, पहले केस में जो कलेक्शन एक्सपेंसेस है वो 10,000 रुपीज के हैं, 10,000 के हैं, तो मैंने 10,000 लिख दिए। फिर 20,000 है, बहुत बढ़िया, और फिर 30,000 है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक ही चीज लिखनी है, उसका नाम है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट, और वो मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं तो शायद आपको समझ भी आ जाएगा। 15% इंटू 50 अपॉन 360 डेज ले रहा हूं जी मैं, इंटू 10 लाख, तो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं 10 लाख लिख रहा हूं, समझ आ रही है आपको। फिर यहां पर करूंगा 15% इंटू 40/360 इंटू 10 लाख। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, ए ए बेटा, कर रहे हो ना बेटे, करो ना बेटे, साथ साथ करो ना, करो ना बेटे। आई अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट में निकाल के दिखा दूं, 10 लाख इंटू 50/360 इंटू 15%, ये आ गए जी 20,833, ये आ गया जी 16,667। ये आ गया जी 12,500। आराम से बेटे, आराम से 10 लाख माइनस 20,833 माइनस 60,000 माइनस 10,000, ये आ गया बेटे 889,167। आराम से मेरे बेटे 10 लाख माइनस 16,667
माइनस 40,000, माइनस 20,000, ये आ गया जी 9,23,333। 10,00,000 माइनस 12,500, माइनस 30,000, माइनस 30,000, ये आ गया जी 9,17,500। बेटे आराम से देख लो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आएगा। मुझे तो लग रहा है दूसरे प्रपोजल में ज्यादा आ रहा है बेटे, आराम से। ये आ गया जी 34,167, 34,167। बहुत बढ़िया जी, आंसर बिल्कुल ठीक आया है, तो मैंने लिख भी दिया। अब तीसरे में नहीं किया क्योंकि इसी का मेरे को ज्यादा दिख रहा था, आप ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं। 9,17,500 ये फिगर आ रही है बेटे, 18,333। तो हम तो हाईएस्ट वाला लेंगे, तो लिखना शुरू करिए। द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड, लिखिए बेटे रिकमेंडेशन, लिखिए स्टेप नंबर 3 में। द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड, अब यहां पर लिबरलाइज नहीं कर रहे, रिलैक्स नहीं कर रहे, यहां पर तो हम इंक्रीज रिड्यूस कर रहे हैं। तो लिखिए रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज टू रिड्यूस कलेक्शन पीरियड फ्रॉम 50 days टू 40 days, 50 दिन से 40 दिन में कर दीजिए, इन ऑर्डर टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। आहा, मैंने क्वेश्चन 3 करके दिखाया दोस्तों, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और देखिए जी, सबके नीचे मैंने आंसर्स भी लिख दिए, फिर भी ये मेरी महानता है, ये मेरा सेवा भाव है कि मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे और आपको पेपर में किस तरह से करने हैं दोस्तों, किस तरह से करने हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर्स तो कहीं ना कहीं जरूर होंगे, ये टॉपिक भी होगा, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने बताए 16 कंसेप्ट इस चैप्टर को कवर करने के लिए, हम 9 तक कर चुके हैं। अगर आप ये कंसेप्ट समझ लें और ये स्टेप समझ लें और लॉजिक समझ लें और जो मैंने बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि 100% आपके 8 से 10 नंबर इस चैप्टर के पक्के ही पक्के ही। मैं चल पड़ा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल पड़े। और क्वेश्चन नंबर 4 में एबीसी कंपनी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। एक कंपनी है एबीसी विच हैज विच वांट्स टू रिलैक्स, देखिए थर्ड क्वेश्चन में था कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर है रिलैक्स्ड। आज की डेट में ये सेल्स कर रही है 87,50,000 रुपीज की, ठीक है जी, सेल्स कर रही है 87,50 की। और अभी 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 प्रपोज क्रेडिट सेल्स हो सकती है 105,00,000 की भी, 118,00,000 की भी, अगर वो रिलैक्स कर दे। थोड़ी सी बेटे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, यहां पर आप देखें डेटा टर्नओवर रेशियो यहां दी हुई है बेटे, बेटे 7 times है मेरे बेटे, और बेटे यहां पर 5.25 times है मेरे बेटे, और बेटे यहां पर है 4.2 times है मेरे बेटे। थोड़ा सा प्रिंटिंग में वो आगे पीछे हो गया, ठीक कर लें। 7 times, 5.25 times एंड 4.2 times, ये ठीक है बेटे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड बैड डेट्स, बैड डेट्स भी दिए हुए मेरे बेटे 2.63 lakhs, 5.25 lakhs एंड 7.88 lakhs, ये बेटे बैड डेट्स दिए हुए हैं। The ABC is required to give a return over 30%. लो जी, opportunity interest cost is 30%. PV ratio is 30%. आपको पता है अगर PV ratio 30% है तो variable cost ratio 70% है। ये मैंने working note 1 बनाया जी question number 4 का। एक मिनट दे रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। और मुझे बताइए इस question में नई चीज क्या देखी आपने? क्या नई चीज देखी जो पहले क्वेश्चन में, दूसरे में, तीसरे में नहीं थी? आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
आराम से। बेटे बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, आप पहले उस चीज को नोट वन में लिख लें जो चीज आपने ठीक पहचानी। इस क्वेश्चन में नोट वन लिख रहे हैं, ये पेपर में नहीं लिखना, ये क्वेश्चन आपके नोट वन आपके घर के लिए है। इन केस डेटर्स टर्न ओवर रेशो हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, देन वी कैन कैलकुलेट क्रेडिट पीरियड। इट मे बी नोटेड दैट हायर द डेटर टर्नओवर रेशो बेटर इट इज बिकॉज बिकॉज लोअर विल बी द क्रेडिट पीरियड, क्योंकि उससे क्रेडिट पीरियड आपका लोअर होगा। नोट नंबर वन आपके सामने है, इन केस आप लिख ले, पहले आप लिख ले मेरे बेटे। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, या मैं समझता हूं इसको वर्किंग नोट नंबर टू लिखे, तो पेपर में भी लिख सकते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशो आपको दी हुई है बेटे 7 टाइम्स, 7 टाइम्स है मेरे बेटे। तो क्रेडिट पीरियड 7 टाइम्स का मतलब क्या है कि 12 महीने में ये 7 बार टर्न करते हैं। अगर 12 महीने में ये 7 बार टर्न करते हैं तो एक बार कितने महीने में टर्न करते होंगे? तो बड़ी सिंपल सी है जी, 1 × 12/7। ठीक है जी, 12/7 ये आ गया जी 1.714 मंथ्स। ये पहला क्रेडिट पीरियड आ गया जी। बिल्कुल लॉजिक से बताया है, आपके जो चौथी क्लास का मैथमेटिक्स है, इतना तो इतना, इतने पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जी। अगर 12 महीने में 7 बार टर्न करते हैं तो एक बार कितनी बार महीने में टर्न करते होंगे? इसको हम कह रहे हैं 1.714 मंथ्स। ठीक है जी, आइए अब मैं दूसरी बात करूं। 5.25 टाइम्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। चलिए वो तो आप समझ आ गए आपको, 12 महीने में अगर 5.25 टाइम्स करते हैं तो एक कितनी बारी में करते होंगे, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए 1 × 12/5.25 इज इक्वल टू 2.28 मंथ्स, 2.28 मंथ्स या 2.9 मैंने लिखा है, एक ही बात है। अगर मैं थर्ड कर दूं तो वो भी यहां पे हो सकता है 4.2 टाइम्स। अगर 12 महीने में होता है तो एक कितने महीने में होगा? बेटे कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, बिल्कुल लॉजिक चल रहा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है बेटे। आप लॉजिक से देखिए 2.89 मंथ्स। इस क्वेश्चन की यही खूबसूरती थी कि आपको यहां पर इन्होंने क्रेडिट पीरियड नहीं दिया, और क्रेडिट पीरियड की जगह डेटर टर्नओवर रेशियो दिया है। और आज आपको ये समझ आ गया कि अगर डेटर टर्नओवर रेशियो दिया है तो आप उसका क्रेडिट पीरियड निकाल सकते हैं और आराम से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है मेरे बेटे, आराम से
आराम से। बाकी तो इस क्वेश्चन में सब कुछ ही सिंपल सा है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मेन पॉइंट जो था वो मैंने बता दिया। वैसे तो आंसर पूरा सॉल्व भी किया हुआ है, आप आराम से पहले खुद करेंगे और फिर देखेंगे तो मुझे लगता है हो जाएगा, मुश्किल की बात है नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ूंगा बेटे, क्योंकि क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए जी, सीएस में आ चुका, सीए में आ चुका, सीएस में 2 बार आ चुका, और भी बहुत बार आया होगा दोस्तों। मैंने तो बस लिख दिया, 2-3 अटेम्प्ट लिख दिए। पेज 96 हमारी बुक का, पेज 96। दोस्तों एक बात आप ध्यान से देखें, अगर तो एक बात आपको समझ आ रही होगी, मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं उसमें स्टडी मटेरियल का ध्यान रखा है, उसमें मैंने पास्ट ईयर पेपर्स का ध्यान रखा है, स्टडी भी तीनों की, सीए की, सीएस की, सीएमए की, पास्ट ईयर पेपर्स भी तीनों के, सीए के, सीएस के, सीएमए के। फिर मैंने उसके बाद सजेस्टेड क्वेश्चंस का भी ध्यान रखा है, मॉक टेस्ट पेपर्स का ध्यान रखा है, कंपाइलर का ध्यान रखा है। कहने का मतलब है अगर आप यही कर लेते हैं ईमानदारी से, तो इससे ज्यादा ना तो करना है ना आपके पास समय है। मोटी सी बात तो ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ रहे हैं। अ कंपनी प्रेजेंटली गिव्स क्रेडिट ऑफ 30 डेज। एक कंपनी 30 दिन का उधार देती है। इट हैज ₹60 मिलियन इन क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज दिस मच। अब देखिए, उधार तो मैं 30 दिन का दे रहा हूं, लेकिन कलेक्शन पीरियड 45 डेज का है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मुझे चेक दें 30वें दिन, और वो चेक भी आउटस्टेशन चेक हो, नॉन कंप्यूटराइज ब्रांच का हो। तो आप बताइए, 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे, तो 45 डेज में पैसे आते हैं। इसका मतलब मुझे जो इन्वेस्टमेंट मेरी हो रही है वो 45 डेज की हो रही है। टू मेंटेन द सेल्स, टू स्टिमुलेट द सेल्स, अंडरलाइन कर दीजिए, स्टिमुलेट द कंपनी मे गिव क्रेडिट टर्म्स ऑफ नेट 60 डेज। कंपनी सोच रही है कि हम 60 डेज का उधार दे देते हैं, क्योंकि हमें सेल्स को बढ़ाना है। इफ इफ इट डज इन देन सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। अंडरलाइन कर दीजिए, बाय लिखा है, टू नहीं लिखा। बाय का मतलब है उतने से, टू का मतलब है उतना, दोनों में डिफरेंस है मेरे बेटे। बाय एंड टू लिखा है जी, बाय 15%, ठीक है जी। आफ्टर द चेंज द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी 75 डेज। बड़ी सिंपल सी बात है, लोग फिर भी बेशरम है, जब हम 60 का तो मुंह से बोल रहे हैं तो वो 75 दिन में पैसे देते, ठीक है जी, मतलब 75 दिन तक आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज 80%, वेरिएबल कॉस्ट 80% है, एंड द कंपनी बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न, आरओआई, आरओआई बिफोर टैक्स, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट, सब बेटा बातें एक ही हैं। शुड द कंपनी एक्सटेंड इट्स क्रेडिट पीरियड, अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, एक्सटेंड, क्या इस कंपनी को अपना क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आइए आइए हम देखें, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान से कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो इस बात का यकीन है कि आप सब कर काम कर पाए होंगे, आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। आइए 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 हम देखें, हम देखें, हम करें। आइए चलिए जी, जो लगाएगा वो पाएगा, जो लगाएगा वो पाएगा। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस एक बात समझनी है कि यहां पर भले आपको क्रेडिट पीरियड 30 दिन का ही दिया जा रहा है, लेकिन लेकिन हम हमेशा अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर निकालते हैं, उतने दिनों के लिए निकालते हैं जितने दिनों के लिए ब्लॉकेज हो रही है। इट हैज ₹60 मिलियन इन क्रेडिट सेल्स एंड इट्स कलेक्शन पीरियड इज, इसका मतलब यहां पर आप जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो कितने दिनों के लिए निकालेंगे? 45 डेज। एक बच्चा कहता है, मास्टर तू बेवकूफ है, जब उधार ही 30 दिन का दे रहे हैं। बेटे मेरा कान पे थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है आपको, मैं कह रहा हूं जी, मैं उधार तो 30 दिन का दे रहा हूं,
लेकिन वो पैसे मेरे पास तो 45 दिन के बाद ही आते हैं। इसका मतलब मेरी पूंजी तो 45 दिन पे लगी है ना मेरे बेटे। आप बताओ मैं अगर चेक ही दे दूं यहाँ पर नॉन कंप्यूटराइज ब्रांच का, इस दिन पैसे तो मैंने 30 दिन में दे दिए, मेरे पास थोड़ी आए। मैंने लाल 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 मेरे पास 45 दिन के बाद आए। ठीक, समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरह से जब मैं 60 डेज का दे रहा हूं मेरे बेटे, हाय राम, तो 75 डेज में आ रहे हैं। इसका मतलब पहले प्रपोजल में आप इंटरेस्ट रेट 45 डेज का निकालेंगे और दूसरे प्रपोजल में आप इंटरेस्ट रेट 75 डेज का निकालेंगे। बाकी तो बेटे मुझे इजी लग रहा है, इसमें कुछ ज्यादा गहराई की बात नहीं है और वो चीजें मैंने लिख भी दी है मेरे बेटे नीचे, तो आप कर लें एक बार, आंसर भी लिख दिया बेटे। और कुछ ज्यादा बात है नहीं, जो छोटा सा पॉइंट था मैंने बता दिया कि भाई यही हो सकता है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ूंगा बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ूंगा मेरे लाल। पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 6, एनुअल सेल्स 50 लाख रुपए के, 30 दिन का उधार दे रहे हैं, फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपए की है जी, वेरिएबल कॉस्ट 80% है जी, द कंपनी इज कंसीडरिंग टू चेंज इन इट्स क्रेडिट पी पॉलिसी, अंडरलाइन कर दीजिए, चेंज इट्स क्रेडिट पॉलिसी। अब आप बताइए चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है, टाइट भी और रिलैक्स भी, टाइट और रिलैक्स। फिर नीचे लिखा हुआ जी, इट हैज एस्टिमेटेड लाइकली सेल्स फिगर अगेंस्ट ईच ऑफ द प्रपोजल कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड अगर 45 डेज कर दे तो हमारी सेल्स इतनी हो जाएगी, 60 कर दे तो इतनी, 75 कर दे तो इतनी, 90 कर दे तो इतनी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20%, विच पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड एंड वाई। मुझे तो नहीं लगता मुश्किल है दोस्तों, मैं फिर भी कर देता हूं। आप कहेंगे जी सारे आंसर है तो छोड़ते जा रहे, नहीं बेटे मैं सारे पॉइंट्स बताता जा रहा हूं, फिर भी मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को कर देता हूं क्योंकि आप कुछ ना कहें इसलिए मेरे बेटे। जैसे 30 डेज का तो दोस्तों क्रेडिट पीरियड है ही, मैं सीधा ही कर रहा हूं, 45 डेज, 60 डेज, 75 डेज, 90 डेज। लो मेरे बेटे, लो ये बेटे मैंने लिख दिया, ये क्रेडिट पीरियड लिख दिया, ये सेल्स लिख दी, ये डबल अंडरलाइन कर दिया, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट और ये बैड डेट्स। सेल्स सेल्स मेरे बेटे 50 लाख। अब बेटे सारी फिगर्स वैसे लैक्स में भी लिख सकते हैं, अब आप बड़े हो गए ना बेटे, अब आप तो आप समझ सकते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं बेटे, आपको ज्यादा समझ आए मैं वो चीज कर रहा हूं क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं ना, मैं आपका भला ही तो चाहूंगा ना बेटे, मैं आपका क्यों नुकसान चाहूंगा। ये तो आपकी स्टडी में भी दिया हुआ है, अरे ये तो पेपर में भी आया हुआ है, अरे वेरिएबल कॉस्ट 80% है मेरे बेटे, कैलकुलेटर से करो कसम होगी बेटे। देखो मैं सारा कर रहा हूं जबकि मैंने आंसर दिया, फिर भी फिक्स कॉस्ट 5 लाख है बेटे, और बेटे फिक्स तो फिक्स ही रहती है, ये कह रही है मैं फिक्स ही रहूंगी, ओके नो प्रॉब्लम। लो बेटे बहुत इजी है बेटे, कुछ है ही नहीं, अब तो इंटरेस्ट कॉस्ट लिखना है, बैड डेट्स भी नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया बेटे। इंटरेस्ट कॉस्ट का मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं, लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, पूरी दुनिया में ऐसे ही करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट,
लो बेटे, स्टेटस या 30 डेज बेटे, लो बेटे 30, 45, 30, 45, 60, 75 एंड 90 बेटे। ए मेरे बेटे, कलेक्शन पीरियड लिखा है बेटे, इन्वेस्टमेंट इन कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 40। अब बेटे 40 और 5, 45, ठीक है। आपको पता ही है मैं क्यों लिख रहा हूं बेटे, सेल्स पे करते नहीं, अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों दी हो तो उस पे करते हैं, 40 और 5, 45, ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी 5 और 4, 9, 49,80,000। ₹53 लाख, बेटे 9 और 5, 54, 54,60,000, और बेटे अगर 90 डेज का दें तो देख लो बेटे 55,40,000। मैं बेटे सोल्यूशन नहीं देख रहा, खुद कर रहा हूं कि आपको समझ आए बेटे, मैं तो सोल्यूशन देख भी नहीं रहा मेरे लाल। इन्वेस्टमेंट इन दिस, अब मैं आ गया जी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, तो बेटे 30/360 मुझे पता है कि आप जरूर करेंगे क्योंकि आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, और मैंने सोल्यूशन दे दी है, फिर भी सोल्यूशन से आप नहीं देख रहे और आप खुद कर रहे हैं। अभी 1 मिनट के अंदर मैं कर रहा हूं और समय दूंगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट जरूर करें, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं 45 लाख की जगह 45 लिख रहा हूं बेटे। 30/360 × 30/360 × 45, लो मेरे बेटे, लो ना बेटे 3,75,000 आ गया ना बेटे। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए जी कितने परसेंट दी हुई है, 20% है बेटे। ये आ गया जी, ये आ गया बेटे, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 75,000। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट 75,000 की दी हुई है, यही आंसर है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप आकर चेक कर लें कि क्या ये ठीक है या नहीं। सब बच्चे करेंगे, मैं 1 सेकंड दे रहा हूं, कैलकुलेटर से जरूर करें मेरे बेटे। लिखिए दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप कर चुके होंगे और कर रहे हैं, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप सभी अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लें। वैसे अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है दूसरे केस में दोस्तों मैंने कैलकुलेटर से की है और वो आ रही है 1,24,500, और तीसरे केस में मेरे बेटे आ रही है 1,76,600, और तीसरे केस में बेटे 2,27,500, और तीसरे केस में बेटे 2,77,000, 2,77,000, 2,77,000। आइए आइए मेरे दोस्तों, आइए आइए मेहरबान कदरदान, अब आप इन सभी चीजों को अपनी शीट में लिख दें और आपका आंसर भागता हुआ चला आएगा। 75,000, 1,24,500, 1,76,600, 2,27,500, 2,77,000। चलिए जी, बेनिफिट लिखिए, प्रॉफिट लिखिए, और फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लिखिए। खत्म खत्म लिखिए, ₹4,25,000 लिखे बेटे, 4,95,500 लिखे बेटे, 5,23,400 लिखे बेटे,
5,12,500 रुपए लिखे बेटे, 4,83,000 रुपए आएंगे मेरे बेटे। अब आ जाइए बेटे, 70,500 रुपए का बेनिफिट है बेटे, 98,400 का है बेटे। बेटे 87,500 का बेटे और 58,000 का बेटे, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा ये है, सबसे बड़ा सिकंदर, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया 60 days। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल मिल रहा है। आप आंसर लिखें, द मैनेजमेंट में बी एडवाइज टू ग्रांट क्रेडिट ऑफ 60 days। बेटे मैंने 6 तक कर दिए, मैं चाहता हूँ कि एक नया कंसेप्ट करा दूं और फिर मैं 7 से देखूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने ट्राई नहीं भी की हो, कोई बात ही नहीं है। मैं आज आपको टाइम दे रहा हूं ईमानदारी से, आज आपने 7th, 8th, 9th, 10th, 11th ये 4-5 क्वेश्चंस कर डालने हैं, हो या ना हो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि बेटे कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। आइए मैं एक दो नई नई बातें आपको बता दूं और फिर हम आगे चलेंगे। बेटे एक व्यक्ति ने पूछा कि सक्सेस क्या होती है, आप में से कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? आपको कैसे लगेगा कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल है या ये व्यक्ति नॉट सक्सेसफुल है? बेटे एक मापदंड है, एक बेंचमार्क है। अगर आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं कहता हूं यही सक्सेस है। और आपके सिग्नेचर अगर सिग्नेचर ही है तो दोस्तों फिर आप सक्सेसफुल नहीं है। अपना मापदंड बना लीजिए, लाइफ में आपने अपने सिग्नेचरों को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करना है। ओके, सिग्नेचर्स को आप ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। आइए मैं आपको एक नई चीज बताऊं दोस्तों, हमने कंसेप्ट 9 तक लिख लिया है, अब हम एक कंसेप्ट पहले लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। कंसेप्ट 10 आप पहले लिख लें, फिर मैं आराम से बताऊंगा। कंसेप्ट नंबर 10 लिखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच।